नमस्कार, मैं सचिन राठौर, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। बस्ती में पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय में एक अजीब मामला सामने आया, जहां मुंडेश्वर थाना के हिस्ट्री शीट शाहुद्दीन एक्साइज ने कुर्सी पर बैठकर फोटो खिंचवाया। अधिकारी की अनुपस्थिति में फायदा उठाकर शमुद्दीन ने कुर्सी पर बैठकर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पर कार्यवाही करते हुए सीओ सिटी सतेंद्र भूषण तिवारी ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला बस्ती जिले में चर्चा पर विषय बना हुआ है। पटवारी पर सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग की तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया था कि एक व्यक्ति जिसका नाम शमसुद्दीन है, जो थाना मुंडरवा जनपद बस्ती का रहने वाला हिस्ट्री सीटर अपराधी है, उसने सहायक अभियंता की कुर्सी पर बैठकर उनके ऑफिस में सरकारी दफ्तर में एक फोटो पिक कराई और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसको वायरल कराया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर प्राप्त तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 383/2024 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करके जिस व्यक्ति द्वारा ऐसा कृत्य कारित किया गया था उसको गिरफ्तार करके रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में जो भी साक्ष्य संकलन और अन्य विधिक कार्यवाही हो प्रचलित कराई जा रही है। बांदा के कोतवाली में पैरी गांव में रेप करने के नाकाम मैसूर भाई ने महिला के जिंदा जलाने का प्रयास किया। आग लगाने के बाद महिला के नाले में कूद कर अपनी जान बचाई। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज शाम लगभग 8 बजे ग्राम पलदी निवासी 30 वर्षीय महिला जो कि 3 बच्चों की मां है, उस पर उसके सगे पहुंचे थे भाई राम बाबू निवासी बघेलू बांदा ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। महिला जीवन रक्षा के लिए पास के एक नाले में कूद गई। बाद में उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बांदा लाए गए, जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। घटना की रिपोर्ट पंजीकृत की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगा दी गई। बदायूं के उसैद थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से रेप करने की कोशिश की गई। दूसरे समुदाय के युवक ने 5 रुपए का लालच देकर घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद हिंदू समुदाय के आक्रोश की स्थिति है। यूपी के कौशाम्बी जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान और चालक क्षेत्र में आबकारी निरीक्षक दिनेश यादव ने एक प्रयागराज आबकारी निरीक्षक प्रशांत कुमार के बीपी गुप्ता अपने मई फेज में थाना पिपरी गांव में अभियान चलाकर छापेमारी कर 35 लीटर अवैध कच्ची शराब 250 किलो लहन को बरामद कर मौके पर नष्ट कराया और साथ ही पकड़े गए 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। मथुरा में संसदीय हेमा मालिनी ने कार्यक्रम में भारत सरकार के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने दुर्गा नृत्य नाटिका में प्रस्तुति देखकर मंत्रमुग्ध व्यक्त किए। इसके बाद ओम बिरला ने गोवर्धन गिरिराजन घाटी मंदिर में गिरिराज जी की पूजा अर्चना की और दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आए और दोनों स्थानीय लोगों में स्वागत किया। कृष्ण भगवान की नगरी गिरिराज धरण में भगवान के दर्शन करने का ये धरती आज अंबेडकर नगर में विनती कुशवाहा ने कहा कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। संवाददाता अमित मिश्रा मौर्य के अनुसार आजमगढ़ में आ रही संविधान बचाओ पीढ़ी सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा शुरू होकर अकबरपुर पहुंचेगी, जहां विधायक राम अचल राजभर में स्वागत किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों प्रकाश राजभर ने सपा के कांग्रेस हमले किया। राज अचल राजभर मीडिया ने बातचीत के प्रकार ओम प्रकाश को बताया कि प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। ललितपुर में गांव के सोयाबीन काटने के लिए जाने के मना करने पर गांव में दबंगों के मजबूर परिवार को मारपीट की और मारपीट में बुजुर्ग 2 सगे भाई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने शिकायत की और उसे कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजनौर में जमीयत उलमाए हिंद का गुस्ताखे रसूल महंद यदी नरसिंहानंद के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन धामपुर चौक पर हुआ, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। शहर काजी मौलाना मोहम्मद अली ने कहा कि ये नरसिंहानंद के अनु चौधरी के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन थाना प्रभारी को भी सौंपा गया। सोनभद्र में सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक अनियंत्रित होकर सड़क पर पड़े बोल्डर पर गिर गया। समाज कल्याण मंत्री सजीव गौड़ ने घटना स्थल पर पहुंचकर एम्बुलेंस 108 से युवक को 54 CGI भेजा, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये घटना 54 थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर वैष्णो मंदिर के समीप हुई।
युवक डाले से चौपने के आ रहा था। यूपी के फरुखाबाद में कक्षा 12 की छात्रा को एक दिन के लिए डीएम बनाया गया। कुर्सी पर बैठते ही छात्रा ने शिकायतें सुनी और निरस्तर किया। इस दौरान जिले के बड़े अधिकारी कुर्सी के बगल में ही खड़े रहे। दरअसल मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत सोमवार को वैष्णी शुक्ला को एक दिन के लिए अधिकारी बनाया गया। अफसर वैष्णो देवी शुक्ला के लिए लोगों ने शिकायत सुनी और साथ ही शिकायतों को निरस्तर करने के लिए निर्देश भी दिए। एक दिन के लिए डीएम बनी, शहर की साफ सफाई के भी निर्देश दिए। सोचती है कि मेरे घर के अंदर साफ रहे, रोड पे कितना भी गंदगी, आपने देखा होगा जब आप रोड पे निकलते हैं स्ट्रीट में तो घर के आगे पॉलीथीन तमाम तरह की गंदगी फेंक देते हैं। ये नहीं कि उसको जमा कर रखते हैं, जब नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी आई या कूड़ादान भी आपके 100-200 मीटर की दूर पर है तो वहाँ जाके उसको रख दें सेफली जो है उसको, ताकि जो पालिका कर्मी या अन्य कोई जो भी उस एरिया को देखता सफाई का उठा के ले जा सके। जब तक ये जन जागरण नहीं होगा लोग खुद नहीं समझेंगे अपनी जिम्मेदारी। बहराइच में नवरात्रि के मौके पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला ने नगर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने प्रमुख चौराहों पर संवेदनशील क्षेत्रों को निरीक्षण किया, साथ ही मूर्ति विसर्जन स्थल झिकटा घाट पर भी जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था का हाल चाल लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय पर मिश्रित आबादी के वाले पूजा पंडालों में पर्याप्त पुलिस के मौजूद रहे। उन्होंने आजकल पर अपील भी की कि वो त्यौहार के शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इस दौरान ऊपर से अधीक्षक नगर और क्षेत्रकारी को अन्य अधिकारियों को भी मौजूद रहे। गोरखपुर में चिलवा थाना क्षेत्र में टिकरिया गांव में जलाशय में 28 सितंबर को दिखे गए विशालकाय मगरमच्छ को पकड़ने वाले वन विभाग की टीम 4 घंटे की मेहनत करनी पड़ी। ग्रामीणों में दहशत फैली गई थी, लेकिन रेस्क्यू के बाद सभी राहत सांस ली। स्थानीय प्रधान ने सहयोग कर जलाशय को साफ कराया और साथ ही अंततः मगरमच्छ को जल से माध्यम से पकड़ लिया गया। इसकी लंबाई करीब 8 फीट और इसे गहरे पानी में छोड़ा जाएगा। ये मगरमच्छ आज से लगभग एक सप्ताह पूर्व रविवार को ही देखा गया था, जिसे 2 बार बाहर भी निकलते हुए देखा गया, लेकिन लोगों ने द्वारा हल्ला मचाने को पुनः इसमें आ गया और बाहर नहीं निकल पाया। झांसी के मूठ संतपुर संपर्क मार्ग में तेज रफ्तार दूध डेयरी वाहन ने 6 बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों को घायल को मोट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बच्चे मंदिर जा रहे थे जब दुर्घटना हुई, ग्रामीणों के वाहन का पीछा कर उसे पकड़ लिया। हाथरस के MG पॉलिटेक्निक के 80% छात्रों ने फेल होने पर हंगामा किया। छात्रों ने कॉलेज में धरना दिया। उनकी मांग है कि कॉपियों का पुनः जांच कराई जाए और रीचेकिंग की फीस बिना जमा करवाई जाए। छात्रों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर फेल किया गया। एक छात्र के पिता ने कहा कि उन्होंने कर्ज लेकर फीस भरी थी। विद्यालय प्रशासन और पुलिस छात्रों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि कॉपियां स्कैन करने की मार्किंग की गई, जिसके कारण अधिकांश छात्र फेल हो गए। हिसार में ATM ठगी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए, जो पैसे निकालने की मदद के नाम पर ठगी करते थे। आरोपी जो हिसार और दिल्ली के निवासी हैं, वो पास के 75 ATM, नकदी मोबाइल और 1 गाड़ी बरामद किए गए। ये शातिर पुराने ATM खरीदार उनकी मदद से पैसे निकालते थे। पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों को दिल्ली समेत कई स्थानों पर मुकदमा दर्ज है, जाँच लगातार जारी है। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अवैध असहारा से मोहल्ले में महिलाओं के सामने दहशत फैला रहा है। वीडियो में चलते मोहल्ले निवासी भयभीत हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच शुरू हो गई है। प्रतापगढ़ में लालगंज तहसील में अभियुक्तों ने संयुक्त अभियुक्ता संघ में अध्यक्ष संदीप सिंह के पूर्व अध्यक्ष रवि वीरेंद्र सिंह के मानवीय ढंग से गिरफ्तारी के विरोध में 4th दिन भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और SDM को ज्ञापन सौंपकर प्रशासनिक अमले में निंदा की। उन्होंने CO और SHO को कार्यशैली पर भी नाराजगी व्यक्त की, साथ ही गिरफ्तारी के मामले पर भी गहन जांच की मांग उठाई। आज एक प्रस्ताव हम लोगों ने DM साहब के नाम पर किया है कि पुलिस ने हमारे अध्यक्ष संदीप सिंह जी को, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी को उनके घरों से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किया तो जैसे उन्होंने फोन किया इंस्पेक्टर लालगंज ने संदीप सिंह जी को, हमारे अध्यक्ष जी को, कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। रात में उधर से निकले और उनको जो बताया कि मुकदमे में आपकी एक गिरफ्तारी होनी है, साहब उन्होंने बिना किसी रोक टोक की गिरफ्तारी दे दी लाओ वीरेंद्र सिंह जी। अब आप
कासगंज के पटियाली कोतवाली क्षेत्र में बरकराई गांव में अज्ञात हमलावरों ने 35 वर्षीय युवक को मौत के घाट उतार दिया और घटना के इलाके में फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य को एकत्रित किया। एसपी अपर्णा रजक कौशिक ने घटनास्थल पर मौके पर मुआयना किया और पुलिस के शव को पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झांसी उत्तर प्रदेश पत्रकारिता विभाग के छात्रों ने उत्पीड़न के आरोप लगाया और विश्वविद्यालय के प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उन्हें गोपनीय भंग पर करने पर आरोप का नोटिस दिया और एक प्रोफेसर ने अभद्रता की। पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया कि छात्रों के धरना समाप्त कर दिया जाएगा और घर लौट जाएं। प्रशासन ने आगे का उत्पीड़न न करने का आश्वासन दिया। श्रावस्ती में नकली सोना से असली बताकर 6 लाख की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने कब्जे में बुलेट, नकली सोने के गेवर, 3 फर्जी आधार कार्ड, नकदी और ATM बरामद किए। हस्ताधर थाना में पुलिस ने सर्वोदय सेल से ये कार्रवाई की। आरोपी पवन राय निवासी ग्राम मऊ लखनऊ को ठगी के तहरीर पर गिरफ्तार किया गया। SP धनंजय चौरसिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। अलीगढ़ के नेशनल हाईवे पर खड़ी कैंटर में मैक्स लोडर टकरा गया। टक्कर के बाद आग लग गई और जिससे दोनों वाहनों जल गए। घटना से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने दमकल विभाग के मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये घटना अलीगढ़ के थाना अकरमा क्षेत्र के पनेटी ओवर ब्रिज की है। नगर विधायक राजीव कुंभर और महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने विधायक निधि और डूडा विभाग में बनने वाली सड़कों का उद्घाटन किया। सहारनपुर के सेतिया विहार में 22 लाख रुपए की लागत से सड़क और गलियों का निर्माण शुरू किया गया। विधायक ने कहा कि इन सड़कों के बनने का स्थानीय निवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और साथ ही उद्घाटन समारोह में कई स्थानीय नेता और कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने अश्लीलता के अड्डों पर बड़ी छापेमारी की, जिन्हें हड़कंप मच गया। स्पा सेंटर और रेस्टोरेंट के जरिए अवैध कारोबार चल रहा था, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हो गए। पुलिस ने दर्जनभर युवती और युवकों को हिरासत में ले लिया और मौके पर आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। सिटी मजिस्ट्रेट ने CO और मौजूदगी में हुई और छापेमारी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर में मकदूद नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा। खुदकुशी की वजह से नहीं चल पाई। अलीगढ़ के कौड़ियागंज में 4 लेटर लॉट के दंपत्ति ने दबंगों पर हमला कर दिया। इसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और पीड़ित दंपत्ति को आरोप है कि संपत्ति विवाद के चलते मारपीट की गई। महिला का इलाज CHC अकबराबाद में चल रहा है और उन्होंने पुलिस की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।